सो के फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे गूगल अकाउंट बनाया जाता है। यदि आपको नहीं पता गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप बहुत आसानी से गूगल अकाउंट बना पाएंगे इस वीडियो की मदद से। और यदि दोस्तों आपने गूगल वेब ब्राउजर डाउनलोड किया है और गूगल अकाउंट बनाकर उसको साइन नहीं किया, तो आप इस वीडियो की मदद से बहुत आसानी से गूगल अकाउंट साइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी की बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले ओपन करना होगा अपने सिस्टम पर गूगल क्रोम। आप सिंपली इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि पर्सन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो गूगल वेब ब्राउज़र, वो अभी तक साइन नहीं हुआ है, मतलब मेरे पास अभी गूगल अकाउंट नहीं है। यदि होगा तो आप साइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे गूगल अकाउंट साइन करते हैं। तो हमें फिलहाल गूगल अकाउंट बनाना, तो इसके लिए हम सर्च बार पर आएंगे और सर्च बार पर अगर हमें सर्च करना होगा गूगल अकाउंट, आप सिंपली क्रिएट योर गूगल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिंपली गूगल अकाउंट लिखूंगा यहाँ पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल अकाउंट लिखा और इंटर प्रेस किया। तो इंटर प्रेस करने के बाद गूगल के इंटरफेस पर चले जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे लिंक्स होगी। इसके बाद फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे लिंक दी हुई है और दूसरे नंबर पर जो लिंक है क्रिएट योर गूगल अकाउंट, तो सिंपली हमें उसी लिंक से हमारा जो अकाउंट है गूगल अकाउंट उसी को बना लेना है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम अपना गूगल अकाउंट बनाएंगे। तो बनाने के लिए गूगल अकाउंट सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नेम है उसको लिखना होता है और इसके बाद जो लास्ट नेम होता है उसको लिखना होता है, जो हमारा सरनेम या जो भी अपने हिसाब से। तो मैंने लास्ट नेम लिखा। इसके बाद हमें यूज़र नेम बनाना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यूज़र्स नेम गूगल खुद सजेशन करता है या फिर अपने हिसाब से आप अपना यूज़र नेम चुन सकते हैं या बना सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मैं किस टाइप से यूज़र नेम बना रहा हूँ, आप उसी तरह से अपना यूज़र नेम, यूनिक यूज़र नेम बना सकते हैं और अच्छे से उस यूज़र नेम को यूज़ कर सकते हैं बनाने के बाद। तो एक अच्छा सा यूनिक यूज़र नेम आप बना लेंगे। तो देख सकते हैं कि मैं कुछ अलग सा यूज़र नेम बना रहा हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों, जो आपका यूज़र नेम है वो नंबर लेटर का यूज़ करके आप अच्छा यूनिक यूज़र नेम बना सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड का। तो दोस्तों, आप पासवर्ड का ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योर करने के लिए आपको पासवर्ड का फिल करना होगा या आपको सिंपली बनाना होगा। तो पासवर्ड बनाने के लिए आप नंबर कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप जब अपना सिक्योर एवं मजबूत पासवर्ड बन जाएगा, तो इसके बाद आपको साइड पर ऑप्शन दिखाई देगा कन्फर्म का। तो जो कंफर्म का ऑप्शन है उस पर सेम आपको जो पासवर्ड में लिखा था वो पासवर्ड बनाया था उसको आप सेम कंफर्म पर लिख देंगे। तो दोस्तों, मैंने अपना जो कंफर्म करने के लिए जो पासवर्ड पहले लिखा था पासवर्ड पर, तो उसको मैं यहाँ पर कंफर्म पर लिख दूंगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन है शो पासवर्ड का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड शो हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसको सिंपली अनचेक कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट का बटन है नीचे इस ब्लू करके बटन पर, तो इसको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा और दोस्तों यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको सिंपली आपको फिल कर देना है। इससे होगा क्या, आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का OTP नंबर जाएगा। तो उस 6 डिजिट का OTP नंबर आपके मोबाइल पर जाने के बाद सिंपली आपको वापस यहाँ पर फिल करना होगा। तो सिंपली जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिकवरी ईमेल एड्रेस का। यदि आपके पास पहले से ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो आप सिंपली उसको यहाँ पर फिल करेंगे, यदि नहीं बना तो आप सिंपली इसको इग्नोर कर देंगे। तो दोस्तों, पहले से ही मेरे पास ईमेल एड्रेस है तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली फिल कर दूंगा। और यदि दोस्तों आपके पास नहीं तो आप फिल नहीं करेंगे, इसको सिंपली इग्नोर करेंगे। तो मेरे पास ईमेल एड्रेस है तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए कैसे कर रहा हूँ। और एक मैंने ईमेल एड्रेस लिखा यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों, आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा अपना मंथ का, तो आप सिंपली आप जिस भी मंथ पर आपका बर्थ हुआ तो उसको चुन लेंगे, उस किस तारीख को जन्म हुआ था आप उसको चुन लेंगे और आपका ईयर चुन लेंगे। तो सिंपली मैंने अपना मंथ डे जो बर्थडे होता है उसको यहाँ पर फिल किया। इसके बाद दोस्तों, आप जेंडर कौन सा, आप मेल, फीमेल और अदर कैटेगरी, तो उसको चुन लेंगे। तो सिंपली मैं मेल हूँ तो मैं इसको मेल को चुन लूँगा। इसके बाद दोस्तों, आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट, उस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस पर 6 डिजिट का OTP नंबर जाएगा उस मोबाइल नंबर पर। तो आप सिंपली उसको क्या करना है, नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सेंड का, तो दोस्तों आपको सेंड पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो सेंड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP नंबर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से OTP नंबर आता है। तो इस OTP नंबर को आप इस वाले ऑप्शन पर आपको 6 डिजिट का OTP नंबर सिंपली आपको फिल कर देना है। तो मेरे मोबाइल पर जो OTP नंबर आया था उसको मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा और फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करूंगा, तो जो हमारा मोबाइल नंबर जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा यस आई एम, इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यस आई एम पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन होगा और आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको यदि कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं और यदि नहीं पढ़ना चाहते इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे।
आई एग्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो गूगल अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा गूगल अकाउंट था वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ से आप गूगल अकाउंट के जो फीचर्स हैं वो आप सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। और ऊपर आप पर्सन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा जो आईडी है वो सक्सेसफुली बन चुकी है, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना लोगो बदल सकते हैं और नीचे साइन आउट का ऑप्शन, उससे आप साइन आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो कैसे गूगल अकाउंट बना जाता है, और देखते रहे ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए। टेक केयर, गुड बाय।